सोम सोम दे भरे भंडार तेरे, मंगल मेहर दा बख्शो दान माता। बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे, वीर वीरता दा बख्शो दान माता। शुक्र शुक्र करां तेरा हर वेले, शनि शांति दे होन समान माता। एक वार विश्वास यकीन होवे, पूर्ण कर दो सारे काज माता। हे माता मातेश्वरी, सर्व सुखों की खान, माँ देवन वाली एक है, मांगत कुल जहान। आज भी तेरा आसरा ते कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी माँ तेरा आसरा, ज्येष्ठ बारा मास। मेरी दाती दे दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, माँ देवन वाली एक है, मांगत लाख करोड़। ए सचियां जोता वाली माता, तुआड़ी सदाई जय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में मनाए जाने वाले त्यौहार नवरात्रि के बारे में, जिसको हमारे देश के साथ साथ विदेशों में रह रहे भक्तगण भी हर बार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नवरात्रि त्यौहार प्रतिवर्ष दो बार मनाया जाता है। पहला नवरात्रि त्यौहार चैत्र मास यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, तो दूसरा नवरात्रि त्यौहार अश्विन मास यानी सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाली पूजा अर्चना के बाद 10वें दिन दशहरा पूरे हिंदुस्तान और बाहर के देशों में भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। नवरात्रि त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस त्यौहार का नाम नवरात्रि पड़ा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों के बारे में। माता का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री को पहाड़ों की पुत्री भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री ने हिमालय जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारुणा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है, यही सती के नाम से भी जानी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना से भक्तों को एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल भक्तगण अपने मन के विकारों को दूर करने में कर सकते हैं। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करके हम माँ के अनंत स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनकी तरह हम भी इस अनंत संसार में अपनी कुछ पहचान बनाने में कामयाब हो सकें। माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन को माँ चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप चंद्रमा की तरह चमकता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना से
हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का साहस मिलता है और इन सभी चीज़ों से छुटकारा भी मिलता है। माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना गया। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हंसी वाले स्वरूप से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए इसे अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। माता का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। चैत्र नवरात्रों के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि यह माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला होता है। इनकी चार भुजाएं होती हैं, जिससे वो दो हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे होते हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले दिखती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायनी देवी माता के छठे स्वरूप के रूप में विराजमान हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी देवी के नाम से जानी गई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी देवी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। इनके अलावा इनकी एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये देवी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये श्रवण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वह नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप
और भय नष्ट हो जाते हैं, जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन को माँ कालरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि को काल का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में सबको दुखी किया हुआ था। परेशान होकर अंत में सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने भक्तों की दशा देखकर देवी पार्वती को राक्षसों को मारने को कहा। शिवजी के आदेश पर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ को मार दिया। लेकिन देवी दुर्गा ने रक्त बीज को जब मारा तो उसके शरीर से लाखों रक्त बीज पैदा हुए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया और जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने अपने मुख में भर लिया और उसका वध कर दिया। माँ कालरात्रि की आराधना करने से हमें यश, वैभव और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माता का आठवां स्वरूप है महागौरी। नवरात्रि के आठवें दिन को माँ महागौरी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और गंगा मैया की कृपा से देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करने चाहिए, जिससे भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये रतंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता का नवा स्वरूप है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के नवे दिन को माँ सिद्धिदात्री के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा अधिमा प्राप्ति प्राकर्म्य इष्टिव और वस्तिव ये आठ सिद्धियां हैं। अपने उपासक को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही इस देवी का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं और उनको पूर्ण कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन सभी भक्तगण कन्या पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं उनका नवरात्र व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूरा होता है। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा देने से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। पूजा अर्चना का अंतिम दिन होने के कारण ये दिन काफ़ी विशेष होता है। कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है। कन्याओं के घर आने पर
माता रानी के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद आदर के साथ कन्याओं के पैर धोकर सभी कन्याओं को आसन पर बैठाया जाता है। फिर रोली और कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांध दी जाती है। अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतार कर इसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार नवरात्रि का त्यौहार संपन्न होता है। जयकारा है शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।